तो कबीर सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस आपका कब से शुरू हुआ, जिसके बारे में थोड़ा आप जिक्र करना चाहें मीडिया वालों के साथ। इतना बड़ा सवाल छोटे में सर समराइज कर सकते। फिल्म मेकिंग का मेरा, जैसे आप जानते हैं अभी जिसके बारे में मैंने बात किया यहाँ पे, मैं डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, स्पेशली अफगानिस्तान में, वो मैंने लिखना शुरू किए और उनसे एक स्क्रिप्ट बनी काबुल एक्सप्रेस, जो फिर मेरी पहली फिल्म बनी। उस स्क्रिप्ट बनने के बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद काफ़ी टाइम लगा मुझे प्रोड्यूसर से मिलने में, एक्टर से मिलने में, एक साल कम से कम गया। मुश्किल था उस ज़माने में, मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, तो ये मल्टीप्लेक्स किस्म की फिल्म जो आप टुडे इट वुड बी क्लासिफाइड एज दैट, मुश्किल होता था। लेकिन फाइनली एक साल के बाद यशराज फिल्म से एक फ़ोन आया मुझे, जो पहले मैंने सोचा कि मेरा कोई बकरा बना रहा है, क्योंकि मिनी एमटीवी में थी और मुझे लग रहा था कि ये मैं जाऊंगा यशराज और वहाँ गेट के बाहर से साइरस ब्रोचा कूदेगा और मेरा बकरा बना देंगे। लेकिन फाइनली मैं गया और ब्रोचा वहाँ था नहीं, मैं अंदर गया और आदित्य चोपड़ा मिले। वो तब तक तो हमने सोचा था आदित्य चोपड़ा हैं भी, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं पता नहीं था, लेकिन किसी और ने मेरी स्क्रिप्ट उनको दे रखी थी और उन्होंने पढ़ी और उन्होंने बोला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, व्हेन कैन वी स्टार्ट। बस वैसे ही शुरू हुआ फिर काबुल एक्सप्रेस की जर्नी, और उसके बाद फिर एक 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मेरा था यशराज के साथ। सफलता और विफलता को किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि अभी एक पल आप रेस को भी देखते होंगे एक बार। जी, आई थिंक इस फिल्म इंडस्ट्री में जब सक्सेसफुल होते हैं आप, तो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि दुनिया आपको राजा बना देती है, और जब आपकी फिल्म कामयाब नहीं होती तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक यू नो बैलेंस्ड, लेवल हेडेड रहें। हिट्स और फ्लॉप, सक्सेस और फेलियर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसको हिट और फ्लॉप नहीं मिले होंगे। तो आई थिंक अगर आप अपना काम करते रहें, जिस तरीके की फिल्में आप बनाना चाहते हैं आप बनाते रहें, और अगर यू नो लोग देखना चाहेंगे वो कहानियाँ, सुनना चाहेंगे आपकी कहानियाँ, आपकी आपकी फिल्म देखते रहेंगे। यू शुड टेक सक्सेस एंड फेलियर इन स्ट्राइड, ना सक्सेस से बदलिए ना फेलियर से। हाय सर, सो यू नो योर लास्ट फिल्म बजरंगी भाईजान इज अ यूनिवर्सल सक्सेस, इवन ऑन टेलीविजन इट डिड वंडर्स, एंड यू हैव ऑलवेज सेड दैट यू विल वर्क विद सलमान अगेन फॉर द थर्ड टाइम, एंड नाउ दैट एकता टाइगर एंड बजरंगी आर सो सक्सेसफुल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, डू यू थिंक देर इज अ एडिशनल प्रेशर ऑन यू बिकॉज देर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर फिल्म? हाँ, मतलब एक प्रेशर बन जाता है, लेकिन वो प्रेशर मैं कभी लेता नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको अगर बताऊँ, अगर हम प्रेशर लेते तो हम बजरंगी भाईजान बनाते नहीं, क्योंकि अगर हम प्रेशर लेते कि एकता टाइगर ने 200 करोड़ करे थे उस टाइम पे, तो कन्वेंशनल लॉजिक यही कहता कि एक और एक्शन फिल्म बना लो, लेकिन एक्शन फिल्म हमने नहीं बनाई। वी वेंट फॉर अ फिल्म जो बिल्कुल ही वेंट अगेंस्ट सलमान्स इमेज, वो सब किया जो सलमान नॉर्मली पर्दे पे नहीं करते हैं, और वो जाके सलमान की सबसे बड़ी फिल्म हो गई है आज। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल फिल्म का प्रेशर लेंगे कि यही बनानी है, तो फिर आप जिंदगी भर वही फिल्म बनाते रहेंगे, और वो एज अ फिल्म मेकर इज़ नॉट एक्साइटिंग। आई थिंक जब आप सक्सेसफुल हैं, दैट्स अ टाइम जब आपको और पुश करना चाहिए नए आइडियाज़ के लिए, बिकॉज कोई आपको उस टाइम क्वेश्चन नहीं करने वाला है। आपके पीछे अगर एक ब्लॉकबस्टर है, दे लेट यू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। तो आई थिंक कोशिश यही रहनी चाहिए कि अलग अलग फिल्में बनाएं, नई किस्म की फिल्में बनाएं, एंड सम विल वर्क सम वोंट, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। कबीर सर, हमने देखा है कि आपकी पिछली कुछ फिल्मों में पाकिस्तानी टच होता है, लाइक जैसे कि बजरंगी भाईजान है, फैंटम थी, उससे पहले एकता टाइगर थी, तो कोई खास वजह है कि आपकी फिल्म में पाकिस्तान होता है? जी, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है, एंड दैट्स ट्रू, एक हमेशा इंडिया पाकिस्तान का एक बैकड्रॉप काफ़ी फिल्मों में मेरे आया है। कोई ऐसा एक्चुअली डिलिब्रेट नहीं था, कभी मैंने बैठ के ये नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रिलॉजी बना लेता हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। हुआ ये है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक रियल कॉन्टेक्स्ट मैं दूँ अपने सिनेमा में, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहे। अब आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी जो है वो काफ़ी मतलब डोमिनेंट हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स जो हैं, वो दे डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो इसलिए किसी ना किसी तरीके से कुछ एक एंगल इनका मेरे पॉलिटिकल बैकड्रॉप में आ जाता है, बट ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। आगे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, इट डिपेंड्स कौन सी कहानी मुझे एक्साइट करती है और मैं क्या नेक्स्ट लिखता हूँ। पर लाया गया हिंदुस्तान,
बताएंगे, उनका कहना है कि बजरंगी भाईजान की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से हमने ये हम इस फिल्म को भी बहुत ही अप्रिसिएट करना चाहेंगे, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह से जब? जी ये सही कहा आपने, बजरंगी भाईजान देखने के बाद जब गीता ने बोला कि वो भी अपने परिवार से मिलना चाहती हैं, और फिर ये सारा एक प्रेस ने बात करना शुरू करी, सलमान भी चैनल्स पे गए, मैं भी चैनल्स पे गया, और एक्चुअली गीता वापस आ गई हैं हिंदुस्तान. सो इससे काफ़ी एक क्या कहूँ मैं, मतलब एज अ फिल्म मेकर इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि हम लोग काफ़ी कहते रहते हैं कि हाँ सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो एक पावरफुल मीडियम है और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, लोगों को, मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन बजरंगी भाईजान के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली सिनेमा लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है. मतलब गीता असल में एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई है बजरंगी भाईजान की वजह से, वो एक्चुअली वापस अपने वतन आ गई हैं. तो आई थिंक उससे एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है, एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और जो भी हमें करना है आई थिंक आगे से सोच समझ के करना चाहिए. जी गीता ने एक्चुअली चैनल पे जब बात हुई थी मेरी और सलमान की उनसे, तो उस टाइम भी उन्होंने, गीता ने बोला था कि वो जब वापस आएंगी हिंदुस्तान वो चाहती हैं हमसे मिले. अभी तो आई हैं वो, आई थिंक अभी काफ़ी प्रोसीजर और यू नो फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, वो सब हो जाए, एक बार वो सेटल हो जाएँ तो ज़रूर कुछ आई थिंक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें वो आके सलमान से मिल पाएँ. धमाकेदार या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी मैं एक्चुअली छुट्टी पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि दो फिल्में नॉनस्टॉप मेरी आई हैं, तो काफ़ी दो ढाई साल से मैंने बिल्कुल ही ऑफ नहीं लिया है. आई थिंक एज अ फिल्म मेकर एज अ राइटर एक टाइम चाहिए होता है जहाँ आप बिल्कुल ही किसी स्टोरी के बारे ना सोचें, सिर्फ बस अब थोड़ा बहुत यू नो एक घूमिए, थोड़ा सा किताबें पढ़िए, पिक्चरें देखिए, और फिर एक आइडिया आएगा, और जो आइडिया आएगा जिस पे थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट होगी फिर मैं उसको परस्यू करूँगा. कबीर हाय जी. नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या आइडिया है वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बायोपिक एक ऐसा जॉनर है जो मुझे हमेशा एक्साइट करता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें अपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से और कहानियाँ लेना चाहिए, हम लोग बहुत कम करते हैं. अगर आप हॉलीवुड इंडस्ट्री देखिए तो वो बहुत ज़्यादा अपनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बायोपिक से इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ बनाते हैं, हमें करना चाहिए. मैं भी चाहता हूँ कि आगे कुछ बायोपिक्स पे काम करूँ, कुछ पे रिसर्च किया भी है मैंने, लेकिन ऐसा कोई कुछ लॉक नहीं किया है. कबीर आई एम सबा फ्रॉम टाइम्स नाउ. देयर इज दिस न्यूज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट planning to examine a PIL filed against Santa Banta jokes, so you know, like to begin with Sardar jokes, your thoughts on it, because we've all grown up on them, and yes, definitely, you know, it does involve a communal tension somewhere or the other, but your thoughts on the PIL and if there's a ban on the jokes. You know, it's a very difficult issue to really comment on, because you know, as I sometimes do say that we shouldn't take ourselves too seriously, and you know, come on, humor has to be a part of our lives, and we should be able to laugh at ourselves also. Having said that, I think there's a certain line that one shouldn't cross. If it is definitely becoming derogatory to a certain community and unnecessarily sort of just targeting them, then somebody has to take it up and be able to see that humor should never be offensive. Humor should be something that whoever it's being directed at should be able to laugh along with it. If that line is crossed, then somebody needs to put it in check. While this is cinema and art, you know, has no boundaries. Here we are talking about a time, a phase in our life here in our country where they say, you know, actors from across the border are not really welcome in Mumbai. If, say, tomorrow in your film, you would want to, you know, have an actor from, say, Pakistan, how would you go about it when you feel that, okay, he fits the role and he would, you know, bring that much credibility to your film also? I totally agree with you. I feel arts and culture is something that should be way beyond politics. I don't think politics should be allowed to enter the art, the world of art and culture. Unfortunately, in the subcontinent, we've often seen, you know, politics coming and, you know, not allowing some singer or some actor from coming and performing. I think I don't agree with it at all. I feel that, you know, the more cultural exchange and the more people-to-people exchange we have with our neighbors, the better the atmosphere will become.
politically, yes, if we don't agree with something, we should put across a very strong point. And there are certain segments of certain countries which we do not have to agree with. But we should not put the responsibility of some sections onto everybody. So we can't say that the actions of a certain terrorist organization or a certain extremist organization in Pakistan, the responsibility of their actions cannot be put on the common man of Pakistan or their artists or their actors. There should be a free exchange of people coming. We should be able to go there. They should be able to come here and keep politics out of arts and culture. देश में अभी माहौल चल रहा है लाइक कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं इन नेम ऑफ लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स तो आप किस तरीके से देखते हैं क्या ये प्रोटेस्ट का सही तरीका है क्योंकि इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं नहीं देखिए मुझे लगता है कि ये ना ये सारा फोकस जो है हमारा गलत जा रहा है हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है अगर वो अवार्ड देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं दैट्स अप टू देम बिकॉज अगर उनको लगा कि दैट्स अ वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट उनको करना चाहिए हमें ये देखना चाहिए किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं एक माहौल हम सब जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा इंटॉलरेंस बढ़ रहा है हम रोज़ देख रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी कुछ घटनाएँ जहाँ पे आदमी क्या पहन रहा है आदमी क्या पढ़ रहा है आदमी क्या खा रहा है मतलब हमें क्या लेना देना आदमी क्या खा रहा है आई डोंट थिंक वी शुड बी एबल टू ऐसा एक माहौल बनना चाहिए जो हम अब एक दूसरे के चॉइसेस से बहुत इंटॉलरेंट हो जाए मेरी फिल्म में जो चिकन सॉन्ग है बजरंगी भाईजान का वो ये इसी पे एक कमेंट है कि अच्छा आप वैसे तो सॉन्ग को इंजॉय कर सकते हैं एट फेस वैल्यू लेकिन वो इसी पे कमेंट है कि अगर कोई कुछ खाना चाहता है कि उनके खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला है हमारा जो धर्म है हमारे जो मजहब हैं इतने डेलिकेट नहीं होते हैं कि किसी के खाने से वो टूट जाते हैं आई थिंक वी शुड बी टॉलरेंट एंड अगर ये एक जो इनटॉलरेंस का माहौल हमारे मुल्क में बन रहा है अगर उसके अगेंस्ट कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ हिस्टोरियंस या कुछ साइंटिस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है अगर वो अपना अवार्ड वापस दे के वो चाहते हैं या वो समझते हैं कि उनको अटेंशन मिलेगा दे आर वैलिड अगर मैं बिना अवार्ड दिए भी प्रोटेस्ट करना चाहूँ दैट्स ऑल्सो वैलिड सो नॉट बी ऑन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट द फोकस शुड बी ऑन व्हाट आर दे प्रोटेस्टिंग अबाउट